अभी इस पार्क में यानी घूम रहे हैं। और इस पार्क का क्या नाम है सनी जी? सैंडिस कंपाउंड। सैंडिस कंपाउंड पार्क का नाम है। किड्स प्ले एरिया और इसमें बच्चा सब काफ़ी भरा हुआ है और बच्चा सब झुलवा उलवा लगा हुआ है तो काफ़ी बच्चा सब के लिए यानी कि अच्छा है। टिकट लगता है अभी इसमें शायद तो देख सकते हैं बच्चा सब काफ़ी मज़ा ले रहा है झुलवा का। बच्चों सब के लिए काफ़ी अच्छा है और स्मार्ट सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आता है पार्क। तो देखते हैं कितना अच्छा खाता के तरह बनाया गया है और यहाँ पर जस्ट लाइक आराम करने के लिए बैठने के लिए और हम लोग अभी बैठे हुए हैं दोनों। तो गाइस यहाँ ट्रेन भी लगा हुआ है और बच्चा के लिए है, हम लोग के लिए नहीं क्या है कि नहीं। और इधर कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन वगैरह भी है, यानी कैंटीन अभी चलता है खाने में के लिए, रेस्टोरेंट प्रबंध है, खाना चलता है। इधर में इस साइड में टॉयलेट भी है, टॉयलेट की सुविधा है। लेकिन अच्छा काफ़ी अच्छा वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग के लिए काफ़ी अच्छा देखा जाए यह पार्क है। हम घूमे तो बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा इधर बैडमिंटन एरिया भी जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। तो अभी इसमें आ गए हैं और यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अंदर आए हैं क्रिकेट स्टेडियम के। और इधर जो है बैडमिंटन के लिए बनाया गया है, पीछे में जो देख रहे हैं नेट करके जाल उल फेरा गया है और बैडमिंटन खेलने के लिए भी है। तो यहाँ पे कौन कौन क्रिकेट यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अभी पहुँचा है? एमएस धोनी और किशन सौरभ तिवारी। और यानी कि भागलपुर का अभी जो आए हुए हैं पार्क में, यहाँ पे ये सभी खिलाड़ी का नाम अभी दोस्त ने बताया मेरा, आप सुनिए आप इनके मुँह से।
और यही स्टेडियम है, इसमें कौन कौन खेला है? यहाँ से MS धोनी खेला है, ईशान किशन और सौरभ तिवारी स्टेडियम से खेलती गया है। हाँ, यही भागलपुर स्टेडियम से वर्ल्ड लेवल पर। इधर से अभी जा रहे हैं वाटर पार्क, और प्रोग्राम डांस वगैरह मैच वगैरह इसी क्लब टाइप का है, इसी के अंदर होता है। और स्विमिंग पूल इधर है, अभी जाएंगे, इधर से रास्ता है। भागलपुर स्मार्ट सिटी और माय ड्रीम सिटी, यानी कि आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं यहाँ आइएगा, आप अपना टीम के साथ, यहाँ क्लब है, यहाँ पे बोल सकते हैं, आपका प्रोग्राम भी होगा। गाइस जी, यहाँ बच्चा आया हुआ है, छठ पूजा के लिए मांग रहा है कुछ, तो देना चाहिए कोशिश में, कम से कम 5 रुपया। जय सचिन। गाइस यहाँ देख रहे हैं, यह स्विमिंग पूल है, और यही यानी कि भागलपुर का स्विमिंग पूल है, और हम अपना अभी दोस्त से भी मिलाएंगे, तो दोस्त यहीं पे रहता है, वहाँ खड़ा है। हम हमारा दोस्त से मिल चुके हैं, और हमारा दोस्त यहीं रहता है, काफी खुशी हुआ मिलकर दोस्त से मिले। और यहाँ स्विमिंग पूल है, अभी भीड़ वगैरह नहीं है, होगा भीड़, आज मंडे बंद है, और यह स्विमिंग पूल जो है ओनली मंडे को बंद रहता है, और बात बाकी पर डे यानी कि चालू रहता है, और काफ़ी भीड़ होता है। आप यदि भागलपुर कभी आते तो स्विमिंग पूल यानी कि वाटर पार्क जरूर आइए, इसी के बगल में सटा हुआ है।